सर स्क्रीन पे बता दिया, वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेबिनार्स बाय लेजेंड्स। टुडे इज अ हिस्टोरिकल इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट सेफ शॉप, क्योंकि आज जब हमारा ये वेबिनार चल रहा है, बुधवार वेबिनार जो हमने लास्ट वेडनेसडे को अनाउंस किया था, बड़े संयोग की बात है कि इसी समय जब हम आपसे सब लोग रूबरू हो रहे हैं और आपसे बातचीत करेंगे, इसी समय भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी हो रहा है और इसके फाउंडेशन स्टोन की पहली ईंट रखी जा रही है। ये हमारे देश में और हमारे कल्चर के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है कि आज हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। सेफ शॉप वेबिनार पे भी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है और राम मंदिर के जो नया फाउंडेशन स्टोन ले हो रहा है, जिसका पूरे देश को कई सालों से इंतज़ार था, वो हमारे जीते जी इतना बड़ा कार्य हो रहा है। सो आई एम वेरी डिलाइटेड दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री एंड वी आर वॉचिंग दिस लाइव हिस्टोरिकल इवेंट अनफोल्ड इन आवर ओन आइज, फ्रॉम आवर ओन आइज। आज हमारे लिए एक और हिस्टोरिकल इवेंट है कि इंदु सिन्हा जी हमें एड्रेस करेंगे। इंदु सिन्हा जी इज समबडी हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन फॉर द सेफ शॉप फैमिली। हम सब उनको अपने पिछले इवेंट आशीर्वाद में सुन चुके हैं और हम सब उनके बहुत ही बड़े फैन हैं। इंदु सिन्हा जी जो हैं हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट हैं, और शी, अगर अंग्रेजी में इंदु का मतलब देखें तो इट मीन शाइनिंग ड्रॉप, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इंदु जी का मतलब शाइनिंग ड्रॉप नहीं, शी इज लाइक द शाइनिंग ओशन, क्योंकि शी इज नॉट जस्ट वन ड्रॉप, शी हैज द एबिलिटी टू एनकम्पस एवरीबडी विद हर लव, हर एनर्जी, हर अफेक्शन, एंड फॉर अस शी इज अ शाइनिंग ओशन, एंड वेन यू मीट हर यू फील एज इफ all your worries and all your troubles have been lifted, because just listening to her and hearing her speak gives you so much of calm and peace. Aaj main zyada samay introduction mein nahi lunga kyunki Indu ji hamare saath hain aur main unko request karunga ki aaj ke session ko please aage leke chale aur is historical webinar ko is historical day pe hum bahut utsuk hain aapko sunne ke liye. I would like to welcome on screen Indu Sinha ji. Indu ji, welcome, welcome, welcome. Namaskar Rajat ji aur hamare sare shape shop ke bhai gan jo yahan pe baithe hain. Aur main shuru karne se pehle main bolungi sab log aankhein band kar le, hum 3 baar om chanting kar lete hain. Sab log aankhein band kar le. Hatheliyan aakash ki ho. Aur ek lambi gehri saans le. और धीरे धीरे एक और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओ ओ रजत जी, बहुत बहुत ध्यान, मतलब आप इतना मेरे लिए दो शब्द अच्छा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इतना डिजर्व नहीं करती हूँ जितना आपने प्रशंसा किया है, क्योंकि हमारे गुरु अक्सर कहते हैं कि जब कोई प्रेस करे तो वो भी डिवाइन को ही जाता है, तो द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड यू। सो आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स को मैं बहुत नम्रता से ले रही हूँ, लेकिन उसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं जरूर बोलूंगी कि शेप शॉप हमारा परिवार है और पहले भी था और बाद में भी रहेगा। और मैं पिछले बार भी आप लोगों से यही बोली थी कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि क्या एक
ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा भी विजन हो सकता है कि जो भारतवर्ष को कहां से कहां पहुंचाने का कल्पना कर रहा है। और इस महामारी के समय जब सारा विश्व, सारा लोग, हम लोग दो चीजों से जूझ रहे हैं, एक तो महामारी और दूसरा अर्थव्यवस्था, और दोनों चीज पे आप लोग का ध्यान आकर्षित हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कि एक तरफ की भाई महामारी वो तो चल रहा है, जहां वैक्सीनेशन ही नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, और उसके लिए आपने इतना अच्छा लोगों का, जो मैं खुद सेफ शॉप में थोड़ा अंदर जाके देखी तो मुझे लगा कि देखो कितने लोग हैं जो सपनों की दुनिया में विचरण करते थे, आज उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। ये सब आप लोग के कृपा से ही हो रहा है, आप लोग जैसे गाइड जो हैं, जो देश को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। तो मेरे पास रजत जी का फोन आया कि दीदी आपको दो चीज पे बोलना है, एक है हनुमान जी और एक है कृष्ण जी। अब ये थोड़ा बड़ा मुश्किल है कि दोनों का चित्र का विवरण मैं कैसे छोटे समय में करूं, लेकिन मुझे लगा कि आज का दिन इतना शुभ है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, और मैं हनुमान जी के विषय में बोलूं, इससे सुंदर चीज और कुछ नहीं हो सकता है। और शेप शॉप के हाथ में दो चीज है, उनके दो हाथ, राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। एक में शॉप सेब शॉप हनुमान चालीसा लेकर घूम रहा है, टॉकिंग एंड स्पीकिंग हनुमान चालीसा, और एक में भगवत गीता लेकर घूम रहा है। तो एक में त्रेता युग और दूसरे में द्वापर युग, इससे सुंदर मिश्रण कुछ नहीं हो सकता है कि आपने दो युग को इकट्ठे आज लाकर इस प्लेटफॉर्म पर रखे हैं। और मैं बहुत सरल भाषा में ही बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत हाई फाई लैंग्वेज में नहीं करती हूँ। तो मैं अब शुरुआत करूंगी आप लोगों से कि कुछ हनुमान जी, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में मैं हनुमान जी से क्या सीख सकती हूँ या मैं क्या सीख सकता हूँ। देखो ज्ञान जानना और ज्ञान जीना दोनों में बहुत फर्क है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इस ग्रंथ से हमें क्या सीख मिल रहा है। या जितने लोग अभी 1,00,000 वो वॉच कर रहे हैं, जरूर हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन अगर उसका 1% भी हम जीवन में अगर उसको लाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर हनुमान जी से सीखना है तो हम दो चीज सीख सकते हैं, एक तरफ हनुमान जी हैं भक्ति की प्रकाष्ठा और दूसरे तरफ कृष्ण जी हैं ज्ञान की प्रकाष्ठा। तो कहते हैं कि देखो कि उनको बोला जाता है महावीर, महावीर का मतलब ही हुआ वीरों का वीर, और हनुमान जी को कलयुग का अवतार माना जाता है, एकमात्र देवता जो कि आज भी जिंदा है और हमारे शरीर में भी है, जिनको हम प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर हनुमान ना हो तो आप सोचो आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं सकते हो। मैं गुरु जी के शब्द में बोलेंगी, सटल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणा शक्ति जो कि हनुमान के रूप में हमारे ऊपर विराजमान है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम हमारे जीवन में फर्क लाया है और शायद आपके जीवन में भी लाया होगा कि हनुमान जी से क्या क्या सीख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो सीख है वो है भक्ति की प्रकाष्ठा। क्या होता है कि जब इंसान का इंटेलेक्ट बढ़ता है तो इंटेलेक्ट बढ़ने से क्या होता है, इंसान बहुत सारे प्रश्न करने लगते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो लेकिन हनुमान जी से ये सीखना होगा कि एक व्यक्ति जो कि इतना ज्ञानी था, इतना बलवान था, इतना बुद्धिमान था, जिसको सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, वो भी व्यक्ति इतना सरल हो सकता है कि अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया राम और सीता के आगे। ये कम बड़ी बात नहीं है, समर्पण जो कि हम लोग डेली करते हैं लेकिन इग्नोरेंट वे में करते हैं। गुरुजी अक्सर बोलते हैं कि देखो सरेंडर करना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन क्या होता है कि जब तुम्हें एरोगेंस आ जाता है तो तुमको लगता है कि अरे तुम ही कर रहे हो, मैं ही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरेंडर तो मनुष्य का स्वभाव है। तुम ऑटो वाले पे चलते हो तो ऑटो पे सरेंडर करते हो, प्लेन में बैठते हो तो पायलट पे करते हो,
छोटे बच्चे को जिसको आप गोद में लेके घूमते हो उसको जब नर्सरी क्लास में देते हो तो आप टीचर्स पे सरेंडर करते हो, जब वहां डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर के ऊपर सरेंडर करते हो। तो समर्पण हमारा स्वभाव है, लेकिन उस जब हम पूरा इग्नोरेंस में ना करें, पूरे अवेयरनेस में अगर हम सरेंडर करते हैं तो क्या उस भगवान के प्रति नहीं कर सकते जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है? तो ये हनुमान जी से सीखने का हमें बहुत बड़ा ये है कि कैसे हनुमान ने राम के आगे सब कुछ समर्पण किया, सब कुछ करते हुए भी ऐसे बनते थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, नो डूअरशिप। कृष्ण ने तो बाद में बोला कि कर्तापन छोड़, लेकिन हनुमान ने तो त्रेता युग में कर्तापन छोड़ा और दिखाया, सब कुछ करते हुए बोलते थे कि नहीं ये सब आप ही कर रहे हैं भगवान, ये तो आप ही कर रहे हैं मेरे राम, मैं तो कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है कि इंसान कोई भी काम करे लेकिन अगर इस समर्पण भाव से करता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मुझे याद है मैं एक बार गुरुजी के साथ मैं वहां गई थी कुंभ मेला में, तो जब कुंभ मेला में गई तो एक भिखारिन जा रही थी और उसके सर पे बहुत सारा सामान था, तो गुरुजी ने बोला कि सुनो गाड़ी रोक दो और पूछो माता जी से कि उनको कहाँ जाना है, उनको ड्रॉप कर देंगे। तो हम लोग गाड़ी रोके तो बोले माता जी आप गाड़ी में बैठ जाओ, आपको कहाँ जाना है, इतना सामान लेके आप चल रहे हो, एंड शी मस्ट बी 80+। तो कहती क्या है कि बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे साथ मेरा राम लाला है, मुझे पैदल चलने दो। उसका विश्वास देख के, उसका जो निष्ठा था वो देखकर, मतलब इतना हम लोग विचलित हुए कि देखो आज भगवान हम लोग के पास सब कुछ दिया है लेकिन कहीं ना कोई चीज एक मिसिंग है, कि हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि हमारे साथ कोई सुपरनैचुरल पावर भी है, हमारे साथ हनुमान है, हमारे साथ राम है, हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ शिव भगवान है। तो ये एक भक्ति जो सीखने के लिए मिलता है वो हनुमान जी से मिलता है। दूसरा चीज जो हम सीखते हैं वो है यस माइंड, वो भी हमारे गुरु जी अक्सर बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब भी तुम अगर कोई तुम्हें कोई काम के लिए बोलता है तो हमारा टेंडेंसी हो गया है कि हम निगेटिव का बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना 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 पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, हाँ ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, अपने माइंड में एक चीज डाल लिया, ये होगा या नहीं होगा, टोटल कॉन्फ्लिक्ट माइंड के अंदर शुरू हो गया। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी जब भी राम के पास कोई भी समस्या आई, चाहे वो छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, बिना अपने माइंड को लगाए हुए एक समर्पण भाव जब होता है तो आप अपने माइंड को नहीं लगाते हो, तो आप क्या करते हो, यस माइंड, हाँ जरूर होगा रघुवीर, जरूर होगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। फिर भगवान तो लीला करते हैं तो भगवान को भी लगता है कि अरे ये तो इतना यस माइंड में है तो इसके साथ तो जब उसका समर्पण है तो मैं भी अपना समर्पण दिखाता ही हूँ कि जा कर तू, है ना, कहते हैं कि काम तो भगवान करते हैं लेकिन नाम तो शिष्य का ही होता है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिला कि देखो कैसे हनुमान जी हमेशा ही यस माइंड में रहे, और यस माइंड ही हमारे सक्सेस का कारण बन सकता है। अभी शेव शॉप में जितने लोग काम कर रहे हैं वो इसलिए लाइफ में इतना बेहतर कर रहे हैं कि वो अपने मास्टर को, चाहे वो रजत जी हो या और भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल वो यस माइंड से सुनते हैं। मैंने देखा है कि मेरे मास्टर ने यही बोला है मेरे को, वो क्या होगा, वो सही होगा, वो गलत होगा, वो नहीं सोचते, शेव शॉप में भी वो कट डालते हैं। तो ये जो हनुमान का जो यस माइंड है जो 24 घंटा हमारे साथ रहता है, हनुमान कोई व्यक्ति नहीं है, हनुमान ऊर्जा है, और पॉजिटिव थिंकिंग भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो ये यस माइंड तो जीवन में सबका कल्याण किया, त्रेता में भी किया, द्वापर में भी करेगा, कलयुग में भी किया है ना। तीसरा है जो हम सीखते हैं दास भाव। दास भाव, जब आप दास भाव में रहते हो, दास मतलब सर्विंग, आई एम सर्विंग समवन, है ना, तो जब आप सर्विंग करते हो वहां पे आप अपने बल बुद्धि किसी का दिखावा नहीं करते, पूरी तरह से समर्पण कर देते हो।
और ये दास भाव भी बहुत सुंदर भाव है, जहां पे ये लगे कह रहे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सर्व करने आया हूं। फॉर एग्जाम्पल ले लो पॉलिटिशियन, हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं मैं तो आपका सेवक हूं। कितना सुंदर सेंटेंस है, मैं तो आपका सेवक हूं, है ना। जैसे हम लोग गुरु जी के सेवक हैं और गुरु जी भगवान है, तो वो भी बोलते अरे हम भी तुमका तुम्हारा सेवा करने के लिए तैयार है। यानी कि भक्त भी भगवान का सेवक है और भगवान भी भक्त का सेवक है। तो ये जो सेवा भाव जो होता है, जो अपना दास भाव जो होता है, ये भी अगर हर इंसान में हो वो जरूर हनुमान बन सकता है। उसको उसके लिए कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है। फिर है मर्यादा का पालन। इंसान क्या होता है, जब बलवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, उसको लगता है मेरे पास अरे मैं तो ये भी कर दिया, मैं तो राम जी के लिए ये किया, मैं सुग्रीव को लाया, मैं तो उसको लाया, मैं ये सीता जी का ये कराया, मैं रंका में आग लगाया, मैं ये किया, जो हम लोग जनरल मनुष्य होकर बोलते रहते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, है ना। उसको तो भगवान भी पसंद नहीं, इतना करतापन वाले को तो भगवान भी पसंद नहीं करता, बोलता चुप हो जा मैं दिखाता हूं कि कौन करता है। उस भाव से अगर देखोगे तो कैसे हनुमान जी ने सारा मर्यादा का पालन किया है, कहीं भी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ा। वो लंका में गए हैं तो मर्यादा को नहीं तोड़े, वो चाहते तो सीता को उठाते और लेकर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किए। क्यों? क्योंकि सीता खुद मर्यादा, सीता का मतलब ही होता है जिसमें धैर्य हो। तो सीता ने भी मर्यादा का भी कर बोला कि ना ना तुम ले भी जाओगे बेटा तो पुत्र तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, जब तक रामचंद्र नहीं आएंगे मुझे डिग्निटी के साथ नहीं लेकर जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चाहते हनुमान तो उनको जबरदस्ती कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो पूरे अगर हनुमान चालीसा में आप देखोगे या रामचरितमानस में देखोगे तो कहीं भी हनुमान ने कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसी तरह से हम अपने दैनिक जीवन में अगर मर्यादा के साथ रहते हैं, उसका हम पालन करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत बेहतर होता है। तो ये मर्यादा का पालन हम कैसे कर सकते हैं? तो हर लोगों के जीवन में हम लोगों का लक्ष्मण रेखा है कि डोंट क्रॉस दिस, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। लेकिन कभी कुछ डिजायर ऐसा आता है, कभी कुछ ऐसी मनोकामना होती है, तो क्या होता है हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये ध्यान नहीं होता है कि जब तुम लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए, अगर तुम्हारे साथ हनुमान नहीं है, तुम्हारे साथ राम नहीं है, तुम्हारे साथ कृष्ण नहीं है, क्योंकि अधर्मी के साथ कभी भी ईश्वर नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता है। जब धर्म का पालन करोगे तो एक नहीं हजार हनुमान खड़े हो जाएंगे, हजार राम खड़े हो जाएंगे, हजार कृष्ण खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हो तो वो क्षणिक सुख तो देख सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सुख देगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा भाव है भगवान के साथ रहने का, हनुमान जी से सीखने का, वो है प्रियतम और प्रेमी का भाव। ये भी बहुत सुंदर भाव है और ये तब होता है जब इंसान ज्ञान योग में भी रहता है। प्रियतम प्रेमी, जैसे राम को, जब राम को के लिए हनुमान जी को था, जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि कैसे हमको पता है कि तुम ये हो, तो उन्होंने अपना पूरा हृदय फाड़ के दिखा दिया। और ये आजकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हृदय फाड़ के दिखाना मतलब क्या है, यू आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। और किसको लेके तुम किसको कैरी कर रहे हो, डिवाइन पावर, सम सुपर नेचुरल पावर जिसको तुम लेकर कैरी कर रहे हो। तो कहते हैं ना बंदर के शरीर में बहुत बाल होता है, तो कृष्ण जब ये सॉरी कृष्ण जी का भी याद आ रहा है, तो राम जी का जब वो पूरा तस्वीर वो अपना दिखते हैं तो हनुमान बोलते हैं कि नहीं भगवान ये तो आपने यहाँ पे देखा, लेकिन मेरे तो रोम रोम में, रोम रोम में आप ही हो, कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं। तो ये सब जो भाव है ना, ये भाव रखकर अगर हम जिंदगी जिए तो हम 24 घंटा हम हनुमान जी के साथ हैं, हम राम के साथ हैं, हम सीता के साथ हैं, हम लक्ष्मण के साथ हैं, हम कृष्ण के साथ हैं। कल गुरु जी नारद भक्ति सूत्र पे बोल रहे थे और देखिए कितना कोइंसिडेंट होता है।
कल गुरुजी ने हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि देखो मुझे आज बोलना है, मैं क्या चीज उनके वाणी से ले सकती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर बोला कि देखो राम में तो 12 कला था, 12 कला के पुण्य थे, लेकिन हनुमान के पास 14 कला था। हर भक्त के पास, ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है भक्तों के प्रति, क्योंकि भक्त जो है वो और 2 डिग्री अपने भगवान से आगे होते। तो वो क्या है? वो है प्रियतम। जब प्रियतम का भाव होगा, जब प्रेमी का भाव होगा, अरे ये भगवान तो कोई यही तो मेरा प्रेमी है, यही तो मेरा प्रियतम। ये जब आता है, सखा भाव आता है। तो हनुमान जी को भी आपने देखा होगा, जो द्वापर युग में देखने के लिए मिला, कि वो भी सखा भाव में थे। जहां पे होता था वो पूरा ही एकदम सखा की तरह खड़े होते थे, और जहां पे ये होना, रिजिड होना, जहां पे वो भगवान को भी इतना अधिकार था भगवान और भक्त के बीच में कि वो राम को भी बोलते थे, ना ना भगवान आप ये काम नहीं कीजिएगा, आपको ऐसे ही करना है, आप ऐसे ही करना है। तो भगवान भी समर्पित हो गया कि नहीं, इसके आगे तो मुझे समर्पण करना ही है। तो अब बहुत सुंदर एक, आज मैं हमारे अंकित बत्रा जी का भजन था, मैं वही सुन रही थी, उसमें बहुत सुंदर लाइन था कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात समझ ली है, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। तो यानी कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। इस समाज में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जरूरत हमें भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं लाइफ में कि वी आर इंडिपेंडेंट, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। हर व्यक्ति डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट सिर्फ भगवान पे नहीं है। भगवान ने अपने रूप में कितने लोगों को पृथ्वी पे लाए, प्रकृति फूल लेकर आए, पेड़ लेकर आए, पानी लेकर आए, दूध वाला आया, कॉबलर आया, कितने लोग, कभी धोबी बन के आया, कभी ऑटो बन के आया, कभी डॉक्टर बन के आया, कोई माँ बन के आया, कोई टीचर बन के आया। तो और इस कोरोना के महामारी में तो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट नजर आया है। ये कोरोना के समय रियलाइज हुआ कि जिनको हम तुच्छ समझते थे वो भी कितने बलवान हो सकते हैं। आज सारे माइग्रेंट लेबर चले गए, सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम लोगों ने गरीब समझा। बिल्कुल ऐसे लगता था कि अरे चलो मैं तो इन पे ओवर रूल कर लूंगा। ये आज भगवान ने ये भी दिखाया कि अगर तू सोच रहा है कि तू इंडस्ट्रियलिस्ट है, तू सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा आज करोड़पति हूं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। कि इस लॉकडाउन में अगर इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है तो एक इलेक्ट्रिशियन तुमको नहीं मिल रहा है, अगर प्लम्बर की जरूरत है तो तुमको प्लम्बर नहीं मिल रहा। तो ये इतना बड़ा सीख सीखने के लिए मिला कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, और हम सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो जितना सुंदर वो भाव आ जाए कि हर इंसान में हम भगवान का रूप देखने, हर इंसान में, तो ये जो भाव होगा ना, इससे सुंदर सर्विस कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं किसी का रियल स्टोरी है, ये गंगोत्री में एक ये रहती है, एक देवी माँ है जिनको देवी माँ ही बोलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी उपासक हैं कृष्ण की, वो बाल गोपाल की ही पूजा करती हैं। तो उनके पास खाना वाना नहीं होता है, तो जो भी आर्मी के लोग वहाँ पे है, वो चाइना बॉर्डर है, वो उनको जाकर रॉ फूड देकर आते हैं और कुक करते हैं, और खुद अफसर लोग जाकर वहाँ पे खाना खाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो सन्यासिनी है वो अपने घर में बैठती है और कोई आता है, उस वक्त वो आरती करती रहती है। तो आरती करती है तो जैसे ही कोई होता है बोलते अम्मा आज कुछ खाने के लिए है? अम्मा क्या करती है, आरती छोड़ देती है और वो किचन में जाती है, कुक कर लो, नहीं अम्मा आरती तो कर लो। बोले नहीं नहीं मैं आरती नहीं करूंगी, मेरे पास तो साक्षात बाल गोपाल है। फिर लोग उसके पास और आते हैं खाना खाने, बोली नहीं मुझे नहीं पता कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, मुझे तो हर लोगों में बाल गोपाल ही नजर आता है। यानी कि जब खाना भी बना रही है तुमको भगवान ही नजर आ रहा है। उसी तरह से इस कोरोना के महामारी में भी हम लोगों का इतना अंदर शिफ्ट आया है
कि देखो हर व्यक्ति कितना हर भगवान के रूप में हमारे सामने पहले भी आता था, अभी भी आता है और बाद में भी आएगा। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, तो किस भेष में नारायण मिल जाए तो आप नारायण को कैसे सर्व करोगे? तो नारायण को हम ऐसे सर्व करेंगे कि मेरे आगे जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको यही सोचेंगे कि हम राम को सर्व कर रहे हैं और मैं ही हनुमान हूं। ये हमें सेवा का मौका मिला है। हो सकता है वो भिखारी के रूप में आए, हो सकता है वो किसी और रूप में आए, हमें नहीं पता वो किस रूप में आएगा। पहले भी वैदिक काल में आपने देखा होगा कि शिव भगवान कितना परीक्षा लिए हैं लोगों का, कभी भिखारी बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी राक्षस बन के आए, कभी कुछ बन के आए, क्योंकि असल रूप में आएंगे ना तो असल रूप में तो सब लोग वर्शिप करते हैं ना। आपको पता चल जाए ये आदमी मंत्री है तो आप तो जरूर उनको सर्विस दोगे, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई और आ जाए जो कि मंत्री नहीं है, आप हम लोगों का पूरा जो हम लोगों का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो भाव लाना है अंदर से हनुमान का और कृष्ण का, ये एक दिन का ग्रंथ नहीं हो सकता, ये हमारे जीवन का ग्रंथ बनना चाहिए। तो ये हनुमान का हमारा सबसे बड़ा सीख है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब मैं द्वापर युग की तरफ बढ़ूंगी। और जब राम, आपको पता ही है कि विष्णु के कई अवतार थे, तो विष्णु ही राम है, राम ही कृष्ण है ना। भगवान के कहते हैं कि हरि के हजारों हाथ, उसी तरह से भगवान के भी कई मुखड़े, कई लीले है ना। और इस पृथ्वी पे आते हैं, कितना लीला करके जाते हैं और हर काल में आते हैं, तो हमें ये लगता है कि ना ना ये तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का एक कल्पना है कि वो तीर धनुष लेकर आएगा या वो चंदन लगा के आएगा या कोई वो सांप लपेट के आएगा। लेकिन भगवान जब आते हैं धरती पे तो वो लीला ही करते हैं, वो कोई ऐसा रूप धारण करके नहीं आते, ऑर्डिनरी पर्सन बन के आते हैं, ऑर्डिनरी। कोई शंकराचार्य बन के आएगा, कोई श्री रविशंकर बन के आएंगे, ऑर्डिनरी। अब आपके आपकी नजर कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में देख रहे हो। जैसे हमारे गुरु हैं, तो मैं तो भगवान नहीं देखी हूं, लेकिन मैं उनको भगवान ही समझती हूँ, मैं उनको भगवान समझती हूँ। और अगर आप लोग भी जुड़ेंगे तो आप भी भगवान ही देखेंगे। भगवान का मतलब क्या है? भगवान, जिसमें भूमि की तरह सहनशीलता हो, जिसमें गगन की तरह विशालता हो, वायु की तरह सूक्ष्म हो, जो नीर की तरह हो, जैसा जगह डालोगे वैसा नीर शेप ले लेता है, पानी लेता है, जो अग्नि की तरह हो, सारे कुरूतियों को जला के भस्म कर देता, भगवान। अगर एक व्यक्ति में ये सब गुण देखने के लिए मिलता है, वो व्यक्ति भगवान कहलाने के काबिल हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, आपके भी वर्कर मैंने सुना है जो लोग सेफ शॉप में हैं, वो उनको मैं बोलते हुए सुनी, नहीं वो रजत जी हमारे ये डायरेक्टर, हमारे वो तो भगवान है, हमें ऐसे गाइड करते, भगवान ही है, क्योंकि उन्होंने, आपने उनको रोजी रोटी दिया है, उनके परिवार को संभाल रहे, और उतना ही नहीं कर रहे हैं, सबसे सुंदर कर रहे हैं कि व्यापार अपने तरफ है और अध्यात्म अपने तरफ है। आप लोग इतना एफर्ट करके उनको कोर्स में लेकर आए, है ना। तो कोर्स कोई ऐसा कोई ये नहीं था, ये बिजनेस नहीं है, एक इंसान के जीवन में अध्यात्म आ जाए, इससे सुंदर क्या हो सकता है। जीवन तो दो ही चीज से बना है, है ना, एक तो है सांसारिक दुनिया और एक है आध्यात्मिक दुनिया, और आप तो दोनों दुनिया को ला के उन लोगों को दे दिए। वो तो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके जीवन में प्राणायाम और ध्यान का महत्व हो सकता है, और वो आपने करके दिखा दिया अध्यात्म का महत्व, और वो भी ऐसे टाइम में जबकि हमारा गुरु शरीर में है, ये भी भाग्य का बात है, ये सोचने की बात है कि कब। अब हिस्ट्री याद करेगा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, कि ऐसे भी महान आत्मा आए थे जिनके मात्र सुदर्शन क्रिया करने से 10 मिनट 15 मिनट पूरी पूरा आत्मा, पूरा चेतना, पूरा सोच, पूरा ये बुद्धि अहंकार सब में शिफ्ट आ जाता है, और वो आप लोग कर रहे हो, इंसान को दोनों चीज दे रहे हो। अगर आप रोजी रोटी दे दिए ना और अध्यात्म में नहीं लाए,
तो आपका भी जीवन अधूरा है। कहते हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। लेकिन सेफ शॉप वो काम कर रहा है, आप ताली भी बजा सकते हो बीच बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ कि देखो कि आप एक तरफ रोजगार और एक तरफ अध्यात्म, कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, चाहे वो 10,000 कमाए या 15,000 कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये गीता में लिखा है। अरे तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, इसको बोलते हैं शमशानी वैराग्य। जब शमशान घाट पे आप जाओगे तो आपको एक चीज सुनने के लिए मिलेगा, हर लोग बात करेंगे, देखो ना बेचारा चला गया। हाँ सच में अब लगता है कि दुनिया में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आपने गीता ठीक से पढ़ा नहीं। गीता में कृष्ण यही बोलते हैं, ना तुम खाली हाथ आए थे ना तुम खाली हाथ जाओगे। वर्ल्डली दुनिया का सामान लेकर नहीं जाओगे, सोफा कुर्सी पैसा लेकर नहीं जाओगे, लेकिन तुमने जो इतने सारे कर्म किए हैं वो तुम लेकर जाओगे। और जब आओगे तो उसी का बैलेंस शीट के आधार पे तुम इस पृथ्वी पे आओगे। तो तुम कहाँ खाली हाथ गए और खाली हाथ भरे। तो सेफ आप लोग जो काम कर रहे हो रजत जी, कि आप तो उनका जीविकापार्जन का तैयारी करो, प्लस आप उनके अगले जन्म का तैयारी कर रहे अध्यात्म के मार्ग में रहते। ना वो खाली हाथ अभी हैं, ना वो खाली हाथ जाएंगे, और जब आएंगे भी तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आएंगे ही नहीं। अगर खाली हाथ होगा ना तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, आप सोच नहीं सक रहे हो कि जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता है ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, किसने दिया, क्या हुआ, क्योंकि मैं बीच में नहीं हूँ। हमारी तृप्ता जी के कोई ना कोई माध्यम बनता है, तो योगेश बना, आप बने, ये बने, और इतना सुंदर ये कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। और मैं जब बता रही, मैं सेफ शॉप में जब कोर्स ले रही थी, मैं मुझे लोग बोलता था अरे अध्यात्म में लोग कौन आएगा, ये लोग कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन मैं वहाँ पे हर जाति हर वर्ग के लोगों का कोर्स ली, और मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर मुस्लिम लोगों का भी है, जिसको लोग बोलते रही तो कट कुछ नहीं है, वो भी वही सेंटेंस बोले जो हमारे और भाई लोग बोले कि दीदी हम तो इतने लकी हैं कि हम सेफ शॉप में आके मुझे नया चीज सीखने का मिला, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था, हम तो वही जाति वही ये वही स्टेट वही कंट्री वही गोरा काला अमीर गरीब उसी में पड़े हुए थे। तो ये इतना सुंदर आप एक ले रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, और इससे सुंदर चीज कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है रजत जी कि देखो, क्या मैं थोड़ा भगवत गीता अपने ढंग से समझाऊंगी, क्योंकि हमारे 1,00,000 लोग भाई बैठे हुए हैं, जितनी सरलता रखूंगी उतना उनके अंदर जाएगा। कहते हैं कि पूरा जीवन एक बैटल फील्ड है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया युद्ध के मैदान में, वो काल्पनिक भी हो सकता है, मेरे हिसाब से काल्पनिक नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो नास्तिक हैं वो ये सोचते होंगे ये कल्पना भी हो सकता है कि किसने देखा किसने सुना। अब बोलोगे कि हाँ संजय ने बोला, तो हो सकता है जो नॉन बिलीवर है वो बोलेंगे किसने देखा कि संजय ने सुना, ये तो सब काल्पनिक है। लेकिन अगर छोड़ दो, अगर ये काल्पनिक भी है तो कल्पना भी बहुत सुंदर है। अब आप आ जाओ रियालिटी पे, कि अगर ये कल्पना है तो इसको कल्पना रहने दो, अब रियालिटी पे आ जाओ कि कृष्ण ने क्या बोला। कृष्ण ने यही बोला, द होल लाइफ इज अ बैटल फील्ड। जब हम भी जीवन में आते हैं, 60-70 साल जो जीवन का बिताते हैं, हर क्षण कभी दुख कभी सुख, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी करोड़पति कभी लाखपति कभी हजारपति, कभी डिमोनेटाइजेशन के समय में 1 रुपया नहीं, वो भी भगवान करके दिखा दिए कि देख कौन सा करोड़पति, कितना तू रख लेगा लॉकर में, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, क्या कर लेगा तू, कितने चीजों पर करेगा, 10 गाड़ी है, कोरोना के टाइम में 1 भी गाड़ी यूज नहीं हो रहा है, कपड़े टंगे हैं
तीन महीना से कोई पहन ही नहीं पा रहा है। 10 नौकरदाई हैं, सो कॉल्ड अमीर लोग इतने भय में हैं कि मेरे को इन्फेक्शन ना लग जाए, लेकिन काम करने वाली काम के समय आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बहुत लोग बुला भी रहे, बहुत लोग नहीं भी बुला रहे। तो ये देख लिए, ये महामारी ने बीमारी तो कम दिया, लेकिन सारा हमें नजारा दिखा दिया कि देख जितने चीजों को तू सिक्योरिटी समझ रहा था ना, वो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। जिन बच्चों को तुम अपना समझ रहे थे, आज वो बच्चे तुम्हारा दाह संस्कार करने भी नहीं आएंगे। फिर सच क्या है? फिर व्हाट इज द ट्रूथ? वही है जो तुम्हें दिखता है, वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं है। हमारे गुरु अक्सर ये बोलते, जो सत्य है वो तेरे को दिखेगा नहीं, और जो दिखता है वो सत्य नहीं। नाम, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, ये दिखता है लेकिन ये सत्य नहीं है। और जो नहीं दिखता है, एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक छोटा सा कोरोना नाम हम लोग दे दिए, पता नहीं क्या है, अभी तक किसी को भी नहीं पता है, आज वो पूरे विश्व को हिला दिया है। अदृश्य शक्ति, वो कोई मेरे तरफ से तो कोई वायरल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंदर का जो नकारात्मक वायरल जो अंदर घुसा हुआ है, वो मनुष्य को बार बार परेशान कर रहा है बीमारी के रूप में। और अगर हम लोग नहीं सचेत हुए तो आगे भी इस तरह का वायरल आएगा। सही कह रहे हैं ना? एग्री? तो देन होल लाइफ इज अ बैटल फील्ड। तो ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत कहां पड़ती? जब जीवन एक सीधी रेखा पे चल रही है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। बट लाइफ इज नॉट अ लीनियर, जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, वो कहीं भी मोड़ ले लेती है। उस समय किसकी जरूरत पड़ती है? जब वो सीधी रेखा पे नहीं जा रही है, जितना हमने कल्पना किया, जितना हमने योजना बनाया, वो तो चल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर उस समय हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और द्वापर युग में भी यही हुआ, जब अर्जुन इतना विचलित थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन रथ को बीच में लेकर चलते हैं। बीच में लाने का मतलब क्या हुआ? बीच में लाने का मतलब होता है व्हेन यू आर फोकस्ड, व्हेन यू आर सेंटर्ड। जब लाइफ में आप सेंटर्ड होते हो, फोकस्ड होते हो, तभी आप लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। जब तक आप फोकस्ड और सेंटर्ड नहीं हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फिर आप क्या करोगे उस परिस्थिति पे? अगर फोकस्ड और सेंटर्ड नहीं हो तो किसी विपरीत परिस्थिति में आप एक्ट नहीं करोगे, आप रिएक्ट करोगे। राइट? अब इस रिएक्शन से अपने को बचाने के लिए कि भैया हमें एक्शन करना, हमें रिएक्शन नहीं करना। रिएक्ट करके तो हम अपनी पूरी जिंदगी देख लिए क्या होता है, अब हमें एक्शन करना है। तो एक्शन करने के लिए ही हमें गुरु की जरूरत होती है, हमें ईश्वर की जरूरत होती है, हमें गाइड की जरूरत होती है, हमें मेंटोर की जरूरत होती है। उस द्वापर युग में अर्जुन को कृष्ण मिले एज अ मेंटोर। और ऐसी बात नहीं है, मिले तो थे दुर्योधन को भी, लेकिन अभी से नाउ चॉइस जो है, हमेशा भगवान चॉइस देता है तुमको क्या चाहिए। इस तरफ भी जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो। तो भगवान ने क्या किया, बहुत सुंदर चीज हमें दिया, और वो दिया हमारा इंटेलेक्ट, जो कि मनुष्य छुड़ाकर किसी को दिया ही नहीं है। ये हमारा बर्थ राइट, हमें मनुष्य होने के नाते ये हमें गिफ्ट मिला, इंटेलेक्ट। ये हमें चॉइस करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों को का विवेक मर चुका था। कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पे छाता है तब विवेक मर जाता है। लेकिन उस समय काल की घड़ी ऐसी थी कि धृतराष्ट्र के आंख में पट्टी, he was not a blind, लेकिन ऐसा ब्लाइंड तो हम लोग रोज होते, अपने दैनिक जीवन में भी होते, ब्लाइंड हो जाते हैं। एक डिजायर आया
वो पूरा नहीं आया, पूरा नहीं हुआ, फिर एक अलग डिजायर आया, फिर अंधे हो जाते हैं, फिर कुछ होने लगता है, फिर किसी को सताते हैं, किसी का चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, फिर ब्लाइंड हो जाते हैं। तो लाइफ में कितने बार हम लोग धृतराष्ट्र बनते हैं, तभी कृष्ण जाकर पूछते हैं, दुर्योधन तेरे को क्या चाहिए, बता क्या चाहिए, तेरे को सेना चाहिए या मैं चाहिए, कृष्ण चाहिए, गुरु चाहिए? बोलते नहीं, मुझे तो सेना ही चाहिए। और अर्जुन से पूछा गया, पांडव से पूछा गया, बोले नहीं मुझे तो सखा चाहिए और मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम कोई भी नैया पार कर लोगे, लेकिन अगर भगवान तुम्हारे साथ नहीं है ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम पार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीच मझधार में भी आपकी नैया डूब जाए। और ये बर्निंग एग्जाम्पल है हमारे महाभारत का। और इसीलिए ऐसा नहीं कि दुर्योधन में नहीं शक्ति था, कर्ण में नहीं था, ऐसा नहीं था, वो भी योद्धा थे, वो भी बलवान थे, वो भी उसी कुल खानदान के थे, लेकिन चॉइस गलत हो गया। और चॉइस क्यों गलत हुआ? क्योंकि इंटेलेक्ट पे पर्दा पड़ गया। तो ये जो लाइफ, जो बैटलफील्ड है, उस वक्त जब गुरु जब आते हैं तो हर गुरु आके क्या कहता है, गीता बोलता है। गीता का मतलब क्या हुआ? ज्ञान वाली, वही गीता होता है जिसको तुम गा सकते हो। चालीसा का मतलब होता है जो अपनी आप गुरु और इष्ट देव की प्रशंसा करते हो, वो चालीसा हो जाता है। तब भगवान किसी न किसी गुरु और भगवान के रूप में किसी न किसी को पृथ्वी पे भेजते हैं और फिर वो हमें बात बताते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप, आपका चॉइस क्या है, आप कितना लेते हो उस चीज को। अब देखो भगवत गीता में 701 वर्सन्स हैं। अब सारे चीज पे तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे जीवन में जो फर्क पड़ा है, मुझे लगता है कि क्योंकि हम भी आप ही की तरह है, एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, तो लगता है जो मुझे इम्पैक्ट किया है वो आप पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो फर्स्ट लेसन जो हमने लिया भगवत गीता से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हमारे जीवन के 7 अस्तित्व हैं। वो है हमारा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो और सेल्फ। क्या क्या है? बॉडी ब्रेथ माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो और सेल्फ। ये हमारे 7 अस्तित्व हमारे भगवत गीता में भी उसका जिक्र है और ये गुरु जी ने भी जिक्र किया कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पे, ये 7 चीज लेकर ही है। अब क्या है, अभी शरीर छोड़ देते हैं हम, वो तो सामने सबका दिख ही रहा है। अब आ जाओ जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, वो है हमारा माइंड, वो है हमारा इंटेलेक्ट। अब माइंड क्या है? माइंड कुछ भी नहीं है, ये भी एक एनर्जी है। इंटेलेक्ट भी कुछ नहीं है, ये भी एनर्जी है। ब्रेथ भी एनर्जी है। गाड़ी कितना भी एक्सपेंसिव ले लो, चाहे मर्सिडीज ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, बिना पेट्रोल का तो नहीं चलेगा। ड्राइवर भी चल की जरूरत तो पड़ेगी। तो जीवन की गाड़ी भी डिपेंड करता है कि उस गाड़ी का ड्राइवर कैसा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने जीवन को कैसे ड्राइव कर रहे हो। तो आपका मन, अब मन क्या है ये देखो, कहते हैं मन की जीत जीत है, मन की हार हार। यही मन आपका दुश्मन भी है और यही मन आपका मित्र भी है, लेकिन इसके विचित्र टेंडेंसी सब है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने इसका कुछ बनाया है नियम कानून और वो अपने नियम से ही चलता है। लेकिन साथ में भगवान ने बहुत सुंदर चल दिया कि माइंड के साथ मैं तुम्हें इंटेलेक्ट भी दे रहा। अब डिपेंड करता है कि मनुष्य कितना इंटेलेक्ट का उपयोग कर रहा है। अब देखो माइंड की क्या क्या टेंडेंसीज है, ये देख लो, वो आप लोग भी महसूस करते हो। माइंड का पहला टेंडेंसी है कि जब भी वो क्या करता है, वो क्लिंग करता है। और क्लिंग कहाँ करेगा? वो पास्ट की तरफ करेगा और नहीं तो फ्यूचर की तरफ करेगा। भूत में जाएगा और नहीं तो भविष्य में जाएगा। अब भूत में, अब कृष्ण बोलते हैं न भूतो न भविष्यो, देर इज नो पास्ट एंड देर इज नो फ्यूचर अर्जुन।
कुछ है ही नहीं इस क्षण मेरा, इस वर्तमान क्षण मेरा, न भूतो न भविष्य। लेकिन माइंड क्या कर रहा है, भूत में लेकर जा रहा है और नहीं तो भविष्य में लेकर जा रहा है। अब भूत में लेकर जा रहा है तो बोलता है नहीं हमारे तो उभराता है, हमारे तो वो पितामह है, हमारे तो वो रिश्तेदार है, हमारा तो ये रिश्तेदार है, वो भूत भी है वो प्रेजेंट भी है, मैं ऐसे कैसे करूंगा। भविष्य में जाता है तो सोचता है कि अरे अगर युद्ध करूंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहेगा देखो ये धन के लिए युद्ध किया। अब क्या हुआ, युद्ध के मैदान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तभी कृष्ण बोलते हैं इस बैटल फील्ड में कि रथ बीच में लेकर आ, नाउ यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड बी सेंटर्ड, यू शुड बी कमिटेड। अब मैं जब बोलूंगा जो चीज बोलूंगा तेरे को समझ में आएगा, लेकिन जब तक रथ बीच में नहीं आएगा तेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर कहते हैं कृष्ण कि देख अर्जुन ये मन क्या है, इसी में लव हेट है, कभी प्रेम कभी घृणा, इरैशनल माइंड, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, नॉट स्टेबल, वो तो स्टेबल तो है ही नहीं। जो चीज उसको मना करो कि मत करो वही मन करेगा। अभी आपको बोले कि बंदर को कोई याद नहीं करेगा तो आपको बंदर ही याद आएगा। आपको मैं बोलूंगी नहीं शराब पीना बहुत खराब है मत पीना, वाइफ 10 बार बोली मत पीना बहुत खराब चीज है बहुत खराब, क्या होगा शाम होते आपको वही पीने का मन करेगा, क्योंकि ये माइंड बहुत बड़ा धोखेबाज है। क्योंकि मेमोरी ने बोला अरे बड़ा मजा आया था तुम पिए थे ना, इंटेलेक्ट बोल रहा है मत पियो ना, माइंड बोला है पी लेना। अब ये तीनों के बीच में क्लैश शुरू हो जाता है, करना है या नहीं करना है। तो ये है अपना, अब इसके आ जाओ इंटेलेक्ट पे। इसका इंटेलेक्ट जो है वो बिल्कुल हमारा उल्टा है। अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो इंटेलेक्ट क्या करता है, एकदम फर्म और स्टेबल है, लॉजिक है, रैशनल है ना, और क्या करता है कि वो आपको रीजनिंग भी करवाता है। और वो डिपेंड करता है कि आप अपने इंटेलेक्ट को कितना शार्पन कर रहे हैं। और इंटेलेक्ट कैसे शार्पन होगा, माइंड कैसे कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल करने का चीज नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए भी अगर आपके पास आ जाए ना तो आप अपने को बहुत भाग्यवान समझना। इसीलिए आप कोई भी महाभारत देख लो, आप रामायण देख लो, हर गुरु युद्ध से पहले युद्ध के बाद और बचपन से, चाहे वो कृष्ण हो या राम हो या दशरथ हो या सीता हो, एक ही ज्ञान सबको मिला और वो है मेडिटेशन। बिना ध्यान का कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, ध्यान एकाग्र करना। लौह कुश को क्या मिला, यही तो शिक्षा मिली कि ध्यान एकाग्र कैसे करोगे, एक वाण चलाने के लिए भी कैसे एकाग्रचित होगे। तो इस माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे गुरु ने बोला एक ही चीज से वो कंट्रोल हो सकता है, वो है हमारा ब्रेथ, सांस के द्वारा, और जिस और उसी पे सारा प्राणायाम डिपेंड करता है। सारा जो है वो पूरा ब्रेथ का ही खेल है, और हमारे पास कोई वेपन नहीं है माइंड को कंट्रोल करने के लिए कि वो ना जाए। वो जाएगा, वो पास्ट में भी जाएगा, वो फ्यूचर में भी जाएगा। तो कहते हैं वन इज अ मिस्ट्री एंड वन इज अ मिजरी and beautiful gift given by the divine and that is the present moment. बोले अर्जुन एक तो तेरा बहुत बड़ा मिस्ट्री है भविष्य, और पास्ट जो है वो बहुत बड़ी मिजरी है, और इतना सुंदर गिफ्ट मैं इस वर्तमान क्षण में तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, तू इसको ले ले, इतने द्वंद में नहीं आने की जरूरत है। लेकिन अर्जुन इतना अच्छा भक्त था ना, क्योंकि उसके पास लिसनिंग मोड था, दुर्योधन के पास लिसनिंग मोड नहीं था। दुर्योधन यस माइंड में कभी भी नहीं रहा है, लेकिन अर्जुन हमेशा यस माइंड में रहे। ठीक है सखा, अगर क्वेश्चन भी करते थे ना तो वो समर्पण होता था जानने के लिए कि आफ्टर दिस व्हाट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो लिसनिंग मोड में तो जब अर्जुन थे तो कृष्ण ये सब बोलते थे कि ये माइंड को कंट्रोल करना है ना, तू ऐसे कर ले, आग बार एक बार धनुष बाण चलता था, मंत्र हमारे सब एस्टैब्लिश्ड है,
हमारा मंत्र, हमारा ये अभी हम लोग 11,000 लोगों का जो, सॉरी 11,00,000 लोगों का जो हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, आप सोचो इसका क्या असर होगा जब हम लोग सब पढ़ेंगे तो। मतलब 11,00,000 लोगों का कॉन्शियसनेस एक लेवल पे। इट्स नॉट ओनली पाठ, पाठ तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन उस 11 बार में इतने मानव जाति का चेतना एक चीज पे स्थिर होना, राम के ऊपर या कृष्ण के ऊपर या हनुमान के ऊपर, ये तो परिवर्तन लाएगा। और ये भारत ही कर सकता है, दूसरा किसी देश में भी ये वरदान नहीं मिला है। ये हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हम लोगों का जन्म भारत वर्ष में हुआ है और हम लोगों को ऐसे ऐसे इष्ट देव मिले, कभी हनुमान, कभी राम, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी बलराम, कभी लक्ष्मण, कभी सीता, है ना। हर व्यक्ति को उठाओ ग्रंथ में से, सब अपने आप में ऐसे लगता है अरे किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें। पूजा करो तो किसकी करो, एक महान हस्ती हो तब ना। कभी गांधी बन के आए, कभी विवेकानंद बन के आए, कभी नेल्सन मंडेला बन के आया, कभी मदर टेरेसा बन के आया, है ना। गौतम बुद्ध बने, कभी जीसस बने, किसकी किसकी करो आराधना। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इस काल में आए और हमें ये करने का ये। लेकिन क्या होता है ना, ये माइंड बहुत बहुत परेशान करता है। इसमें क्या होता है, बड़ी इसकी अजीब टेंडेंसी है, जैसे आपको कोई 10 अच्छा बात बोले और एक खराब बात बोले तो क्या याद रहेगा, निगेटिव चीज याद रहेगा, आप 10 चीज भूल जाओगे। आपको 99 बार किसी इंसान ने मदद किया लेकिन एक बार नहीं किया तो आप क्या क्या बोलते हो। सेम चीज हम भगवान से साथ करते हैं, भगवान मेरे को आपने ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे को ये नहीं किया, मैंने ये मांगा, मैंने वो मांगा, आपने ये नहीं किया, है ना। सब अंदर अंदर वार्तालाप चलता रहता है भगवान से और हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया है। फिर क्या करते हैं, भगवान याद दिलाने के लिए वो आपको पिंच देता है। ओके, अगर तू ग्रैटिट्यूड में नहीं है ना, अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या करता हूं, देख अब करोना देता हूं, आजा ग्रैटिट्यूड में, आजा। पहले तो कोई नहीं आया ग्रैटिट्यूड में, अब आ जा। इतना कुछ तुम लोगों को हम दिए, क्या नहीं दिए, पानी दिए, ये दिए, पेड़ दिए, पौधा दिए, फल दिए, लेकिन तुम लोगों ने कभी उसको निरादर किया, पूरे इन्वायरमेंट का निरादर किया। अब तुम आ जाओ और ये भी करके दिखा दिया कि देख तेरे वजह से ही सारी प्रकृति खराब हो रही थी। तो प्रकृति भी क्या है, दो तरह का है, एक पेड़ पौधा जीव जंतु जो आप देखते हो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और एक पॉल्यूशन हमारा माइंड करता है। इतना पॉल्यूटेड माइंड अगर हर सब इंसान का होने लगेगा, आप इस पृथ्वी पे रह नहीं सकते हो। और 21st century में यही हो गया है, हमारा माइंड इतना निगेटिव हो गया है, इतना निगेटिव हो गया है कि हमें समझ ही नहीं रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राइट रजत जी, सही कह रहे हैं ना, है ना। तो हाउ टू गिव डायरेक्शन, कौन करेगा ये पावरफुल माइंड को हम कैसे दिशा देंगे। तो ये दिशा देने के लिए क्या है, आपने जीवन में अजमाया होगा कि ये कितना पावरफुल है, जो आप इसमें फीड करोगे वही आपका जीवन का आउटपुट होगा। अभी आप इतने देर से अपने लैपटॉप पे लगे हुए थे, ये कंप्यूटर तो अभी बना है लैपटॉप, लेकिन भगवान ने तो इतना सुंदर लैपटॉप बना के दिया जिसका कभी आप ग्रैटिट्यूड में हम आए ही नहीं। कितना सुंदर है ये माइंड, जो आप फीड करोगे वो ही आपका जीवन होगा। जो अगर सकारात्मक डालोगे तो सकारात्मक निकलेगा और नकारात्मक डालोगे तो नकारात्मक निकलेगा। आप अपने जीवन में अजमाए होंगे कि आपको सुबह उठना है और आपने अलार्म लगा दिया 4 बजे सुबह का। कितने लोगों ने महसूस किया है कि अलार्म बजने से पहले ही नींद टूट गया। वो क्या चीज है, यहाँ पे फीड किया, मुझे 4 बजे उठना है। अलार्म तो बाद में बजा, आपकी नींद पहले खुली।
यानी कि इस मन रूपी कंप्यूटर में अगर सही फीड होगा तो सही जीवन का आउटपुट होगा। और यही गुरु भक्त लोग से करवाता है कि इस माइंड में तू डाल, फिर से डाल, मेरा भारत वापस आएगा, मेरा भारत वापस आएगा। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे भारत में 90% लोग पॉजिटिव सोचते हैं। ये भय के माहौल में भी अगर आप वर्कर क्लास से पूछो, जो ट्रेन में जा रहे हैं, जो बस में जा रहे हैं, ना, जो गांव में जा रहे हैं, भय हमारे अंदर है, भय उनके अंदर नहीं है। और सबसे ज्यादा संक्रमण अगर फैला है तो हम लोगों में फैला है, उनमें नहीं फैला है। ये मैं आपको डेटा बता रही हूं। लेबरर्स लोग इतने बीमार नहीं हुए हैं जितना हम लोग बीमार हो रहे हैं भय से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा कोरोना, कहीं मुझे इससे इसके पास गया तो कर। अरे नहीं भाई, क्यों होगा? तुम ये सोचो कि हम कोरोना के लोगों को ठीक करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, हम अपने देश को फिर से पटरी पे लेके आएंगे, शेप शॉप लेकर आएगा। अरे पहले 10 लाख को रोजगार दिया, 20 लाख को दिया, अब एक संकल्प लेंगे कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ये मुझे 100% ये, वो नहीं जाएंगे डिप्रेशन में। क्योंकि जो भारत अभी सोच रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन, वो ऑलरेडी आप वही काम कर रहे हो, आज 10 साल 15 साल से वही काम आप कर रहे हो। तो बहुत सुंदर एक ये जीवन मिला है, और इसको हम कैसे कृष्ण के और राम के और हनुमान के इस पे लेकर चले, ये हमारे हाथ में है। दूसरा चीज जो मैं सीखी रजत जी अपने इसमें भगवत गीता से, वो है कंटेंटमेंट, संतोष। अगर जीवन में संतोष नहीं है, मैं पहले भी बोले, देन देयर इज नो ग्रेटिट्यूड। और दिल मांगे मोर, यही हमें कॉमा फुल स्टॉप लगाना है कि हमारी आवश्यकता नीड क्या है और हमारी ग्रीड क्या है। आज भगवान हमें नीड से परेशान नहीं कर रहा है, हमारे ग्रीड से परेशान कर रहा है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को कोई कमी नहीं था, लेकिन उनका ग्रीड, उनका असंतोष महाभारत करवा दिया। दिल मांगे मोर, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, यहां तक कि वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। कृष्ण तो इतना नेगोशिएट किए, दे दो, ये भी दे दो, अच्छा चलो 5 गांव ही दे दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं, और दिए भी तो क्या खंडवल। लेकिन देखो, जब भगवान सहारा होता है तो एक नर्क भी स्वर्ग बन सकता है, लेकिन अगर भगवान नहीं है तो स्वर्ग भी नर्क बन सकता है। ये ईश्वर की कृपा है, ये कृष्ण की लीला है। तो ये जो संतोष है, ये जीवन में भी कैसे आएगा? जब जीवन में अध्यात्म आएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 1 लाखपति को करोड़पति नहीं बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। हमारे भी गुरुजी से एक बार इंटरव्यू में किसी ने बोला कि गुरुजी सारे गुरु बोलते हैं कि पैसा नहीं कमाओ, पैसा नहीं कमाओ, आप बोलते हो पैसा कमाओ। तो गुरुजी ने बोला, हाँ मैं बोलता तो हूँ पैसा कमाओ, लेकिन खुद के लिए मत कमाओ, दूसरों के लिए कमाओ। तुम्हारे कमाई से अगर 10 परिवार चल रहा है तो जरूर करोड़पति और लाखपति बनो, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा तुमको काम आ रहा है तो सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। और पैसे का, धन का हमेशा दुरुपयोग हुआ है, जो दुर्योधन के टाइम में हुआ, जो धृतराष्ट्र ने किया वो दुरुपयोग ही तो था, जो शकुनी मामा करते थे दुरुपयोग ही तो था। तो ये ग्रंथ से तो हम कितना कितना कुछ सीख सकते हैं। संतोष कि भगवान तुमने जो दिया है वो बहुत दिया है, और ये तब होगा जब आप सेंसिटिव होगे, संवेदनशील होगे। संवेदनशील कब होगे? जब आध्यात्मिक होगे, जब आप सुबह पूजा करने जाओगे में होगा, आप बोलोगे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ब्यूटीफुल आईज,
आई थिंक इंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए और ये बहुत ही शानदार सेशन चल रहा था, बट इन केस शी कांट गेट कनेक्टेड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक हर फ्रॉम बिहाफ ऑफ द एंटायर सेफ शॉप फैमिली। उनके इंट्रोडक्शन में कहा था मैंने आपको कि इंदु का मतलब एक चमकता हुआ बूंद होता है, लेकिन हमारे लिए इंदु का मतलब एक चमकता हुआ सागर है। तो आज ये सेशन के बाद मेरे ख्याल से आप लोग सब जो हैं इस बात को अग्री करेंगे कि हमारे लिए इंदु जी जो हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सेफ शॉप के इंदु जी जो हैं, वो एक चमकता हुआ सागर हैं, और हम सबको उनका लव और अफेक्शन आज के सेशन में समझ भी आ रहा था, दिख भी रहा था, और उनके भाव भी दिख रहे थे। कई बारी वो बोलते हुए इमोशनल हुए, वो जो उनके अंदर भाव है वो कम्प्लीटली कम्प्लीट सरेंडर का भाव है। और वो उन्होंने आज दो बातें कही जो मेरे को बहुत क्लियरली समझ आई अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को लगता है कि अगर अपलाइन बनो तो आप बनो अपलाइन कृष्ण जैसे, और अगर डाउनलाइन बनो तो आप बनो डाउनलाइन हनुमान जी जैसे, क्योंकि कृष्ण जी से बेहतर कोई अपलाइन नहीं है और हनुमान जी से बेहतर कोई डाउनलाइन नहीं। और ये आज की सीख है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ हमारे पास हैं, भगवत गीता भी हमारे पास है और हनुमान संपूर्ण हनुमान भी हमारे पास है। आज इसलिए हिस्ट्री क्रिएट हो रही है क्योंकि राम मंदिर का भी आज ही इनॉग्रेशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आज हम लोग एक हिस्ट्री और अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा हुआ है कि सेफ शॉप हिस्ट्री पढ़ता नहीं है, हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो 11 लाख लोग 11 बजे 21 जून को 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एक साथ। इसका लिंक मैं आपको बहुत जल्द आपके टीम्स को भेजूंगा, जिसके अंदर आप लोग रजिस्टर करेंगे, और आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक संस्थान और हम लोग मिलके हिंदुस्तान के हर कोने में 11 लाख लोग 11 बजे 21 जून को इस इवेंट को एक वर्ल्ड वाइड सक्सेस बनाएंगे और पूरे दुनिया में इसकी पॉजिटिव एनर्जी को फैला के हनुमान जी से प्रे करेंगे कि हम सब की रक्षा करो, और इस ट्राइंग टाइम्स में, इस टेस्टिंग टाइम्स में हम सबको, हमारे परिवारों को, पूरे दुनिया को, हर इंसान को इस प्लैनेट पे एक ऐसी शक्ति दो जिससे हम लोग पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी में ही रहें। अब मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इनवाइट करूंगा सिद्धार्थ जी को, ताकि वो इस संकल्प को जो हम सब मिल के ले रहे हैं दोहराएं, और इसके बाद इस पैनल में जितने भी लोग हैं सब लोग एक एक करके इस संकल्प को दोहराएंगे। तो मैं सबसे पहले इन्वाइट करूंगा सिद्धार्थ जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धार्थ सहगल संकल्प लेता हूं कि 21 जून सुबह 11 बजे अपने सेफ शॉप के साथियों के साथ 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरे ध्यान के साथ करूंगा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू आनंद जी को कि वो कुछ कहें हमें आज के सेशन के बारे में भी और इस संकल्प के बारे में। नमस्कार, मैं राजू आनंद संकल्प लेता हूं 21 जून को 11 बजे मैं 11 बार श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा का आप सभी के साथ शिक्षा परिवार के साथ पाठ करूंगा, और प्रार्थना करता हूं कि ये संकल्प जो हम सभी लोग ले रहे हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने का, इससे जो कष्ट पूरी दुनिया में आ रखे हैं वो दूर हो, पॉजिटिव एनर्जी हम सभी के लोगों की जिंदगी में आए। थैंक यू। अपना रिक्वेस्ट करूंगा संजय कटोच जी को
कि वो बताएं आज के सेशन के बारे में और एक संकल्प लें कि ये जो हमने प्लान किया है 11 लाख लोगों का, इस रिकॉर्ड को हम तोड़ के दिखाएंगे, सिर्फ अचीव नहीं करेंगे, तोड़ेंगे इस रिकॉर्ड। दोस्तों नमस्कार सर, सबसे पहले मैं कुछ आज अपने सेशन के लिए कहना चाहता हूँ। दिल भी भरा हुआ है, आंखें भी भरी हुई हैं, और जो इंदु जी ने आज जो भी कुछ दिया, उनकी जो बात थी कि संसारिक जीवन में हम लोग थे और अब आध्यात्मिक में आ गए, खाली उनकी आंखें नम नहीं थी, हमारी भी आंखें नम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि यस मैन होना चाहिए, तो मैं, मेरे को मौका मिला है सर कहने का, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, वी आर थोरली यस मैन, हम लोग आपके मार्गदर्शन में हैं और बिल्कुल यस मैन की तरह ही काम कर रहे हैं। जैसा आप दौड़ा रहे हो, जैसे आप चला रहे हो, जैसे हमने अपनी निष्ठा सब कुछ आपको प्रदान कर रखी है कि आप जहाँ ले जाएंगे हम लोग उस पर आगे बढ़े। बहुत ही अद्भुत सा था, मुझे तो ऐसे लगने लगा कि हिंदू जी भी भगवान का ही रूप है हमारे बीच में, और वो भी कहीं ना कहीं उस अंश के साथ हमारे साथ काम कर रही है। ये बहुत अच्छा सा संगम हुआ है। कैसे हुआ है उसको आप जानते हो, हमें तो आप में भी वही अंश नजर आ रहा है। और ये जो निष्ठा आज आपने भरी है, जो आध्यात्मिकता जो आपने भरी है आज हमारे अंदर, ऐसा कभी जीवन में था नहीं। आज का जो सेशन था वो इतना ही अद्भुत था, इतना ही दीवाना बना देने वाला और इतना ही मन को झंझोर देने वाला था कि जिंदगी आज से लगता है कि किसी दूसरी दिशा में चलने लग पड़ेगी। बहुत बड़ा दिन चुना है सर, 21 जून योगा डे भी होता है, और जो हमारे जो दुनिया के भगवान है वो सबसे ज्यादा ब्रॉडर लाइट आज के दिन दे रहे होते हैं। आपको पता होगा कि 21 दिन में सबसे 21 जून को सबसे बड़ा लाइटिंग डे होता है, दिन सबसे बड़ा होता है उस दिन। और उस दिन हम संकल्प लेते हैं सर, वचन देते हैं आपको, संकल्प लेते हैं कि 21 जून को हम लोग 11 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ में संकल्प लेंगे, 11 लाख लोगों के साथ में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और जितने भी कष्ट हम लोगों को के निवारक हम बन सकते हैं, क्योंकि मेरे को, मैं भी बहुत बड़ा हनुमान का भक्त हूँ, उनकी एक छोटी सी चौपाई याद है कि जय कपीसती हूँ लोक उजारो, संकट मोचक नाम तुम्हारो। तो इतने बड़े संकट मोचन का नाम हम उस दिन लेने वाले हैं, और इतनी अच्छी बात थी कि भाई सेशोपियन तो डर किस बात का है, मैं आपकी करेज देखता हूँ, डायरेक्टर्स की देखता हूँ, हम लोग सब लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये सर हमारा वचन है, मैं आपको अपनी तरफ से और अपने सारे सेशोपियन को और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब संकल्प लेते हैं, ये सबका मिशन है कि हम इस दुनिया से नेगेटिविटी को भगा के रहेंगे, और सबसे ज्यादा काम इस सेशोपियन और एओएल के साथ मिलकर, और इंदु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करके हम लोग फट्टे चक देंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई वुड नॉट रिक्वेस्ट इंदु जी वांट्स टू रीजॉइन, कैन एनीबॉडी अनलॉक हर? इंदु जी इज ट्राइंग टू रीजॉइन। ओके, मीटिंग इज लॉक्ड। आई विल जस्ट संजय प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स, टिल देन आई विल ट्राई एंड रीजॉइन इंदु जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय जैन है, और आज का सेशन बहुत ही अद्भुत सेशन था, और हमारे सेफ शॉप में हमारे सारे डायरेक्टर्स कुछ अलग तरह से डिसीजन लेते हैं, हमारे पूरे ग्रुप को पूरे यदि हम देखेंगे तो अलग तरीके से लीड करके लेके जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारी ये सेफ शॉप कंपनी पूरे मार्केट में कुछ अलग तरीके से दिखाई देती है। यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत, वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पर अर्निंग के साथ साथ हम इतनी बढ़िया लर्निंग कर सकते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है ये बहुत ही अद्भुत है। और मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी पूरे सेफ शॉप परिवार के साथ 21 जून को ये जो अनुष्ठान है, ये जो जाप है, इसमें पूरी तरीके से तन मन धन से इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, पूरे सेफ शॉप परिवार के साथ में, पूरी टीम के साथ में, पूरे परिवार के साथ में। थैंक यू वेरी मच। आई'd नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट नरसी जी टू से अ फ्यू वर्ड्स। नरसी ग्रेवाल जी। थैंक यू सर। दोस्तों मेरा नाम नरसी ग्रेवाल है, और आज इंदु जी ने बहुत ही बढ़िया सेशन दिया हमको, रियली में बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही है उनके सेशन को सुनने के बाद, और रजत जी ने जो मैसेज दिया लास्ट में कि
कि हमारा हमको अगर डाउनलाइन बनना है तो हनुमान जी जैसा और अपलाइन बनना है तो श्री कृष्ण जी की तरह। बहुत ही मतलब टीचेबल बातें आज मिली इस सेशन के माध्यम से। और मैं संकल्प लेता हूँ कि सारी भारतवर्ष के लिए पूरी मानव जाति के लिए जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है 21 जून को 11 बजे हम लोग 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पूरे शेप्सो परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरसी जी। आई लाइक टू रिक्वेस्ट हर्ष बिल्ला जी टू से फ्यू वर्ड्स नाउ। दोस्तों नमस्कार, मैं रज जी का आज बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने की आज इंदु जी को हमारे साथ इतनी अच्छे ज्ञान की बातें हमको सीखने को मिली। और रज जी ने इस पूरे पाठ को जो एक समरी दी वो शब्द मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि अगर आपने अपलाइन बनना है तो कृष्ण जी जैसा बनिए और अगर आपने डाउनलाइन बनना है तो आप हनुमान जैसे बनिए। ये शब्द कभी आज के बाद कभी। और मैं हर्ष बिल्ला क्राउन एम्बेसडर सेफ शॉप ये संकल्प लेता हूँ कि पूरे तन मन धन से ताकत लगाऊंगा इस 11 लाख लोगों का जो हमने अनुष्ठान लिया है इसको पूरा करने के लिए। खुद तो मैं अपना करूंगा ही और मेरी कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं मेरे कांटेक्ट में मेरे परिवार में मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनको भी इसके साथ में जोड़ूंगा ताकि ये जो पूरे विश्व में ये जो विपत्ति आई हुई है इसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू हर्ष। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट दीपक टू से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज। दीपक प्लीज से समथिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिल्ला क्राउन एम्बेसडर सेफ शॉप ये संकल्प लेता हूँ कि 21 जून 11 बजे मैं मेरा परिवार मेरे सभी रिश्तेदार और मेरी पूरी टीम इसके अलावा मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं मेरे गूगल में जितने फ्रेंड लिस्ट हैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सबके साथ यहाँ पे 11 बार 21 तारीख को 11 बजे 11 बार हनुमान चालीसा का जो हम पाठ करेंगे वो सब मिलकर एक साथ करेंगे और उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक। आईड लाइक टू इनवाइट माधव टू से अ फ्यू वर्ड्स नाउ। माधव प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सेफ सॉप। मैं आज के सेशन के लिए इंदु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी ग्रेट महान कंपनी सेफ सॉप को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे आध्यात्मिक सेशन को आज ऑर्गेनाइज किया। आज के सेशन के बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आज का सेशन ऐसा था जैसे कानों में अमृत घुल रहा था, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ ऐसे महसूस हो रहा था। और मैं माधव सिंह संकल्प लेता हूँ 21 तारीख को सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करूंगा पूरे सेफ शॉप के 11 लाख के परिवार के साथ में। इस बात के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। जय सेफ शॉप। थैंक यू रजत सर। थैंक यू इंद्र। माधव थैंक यू। थैंक यू विजय पाल जी प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के सेशन के लिए आज का बहुत अद्भुत सेशन रहा और इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में ही महान कंपनी और अपने सभी डायरेक्टर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा लगा। और मैं विजयपाल सिंह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने सभी रिश्तेदारों के साथ जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है जहां तक भी मेरी पहुंच होगी उन सबके साथ में 21 जून को 11 बजे 11 बार हनुमान चालीसा का 11 लाख लोगों के साथ में मैं पाठ करूंगा और जहां तक मेरी अप्रोच होगी सबको मैं इसके लिए जरूर बोलूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजयपाल। आई'd लाइक जसवीर टू से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का एक दमदार सेशन इतना गजब का वेबिनार देने के लिए। आज जो एनर्जी क्रिएट हुई है वाकई में अभी इससे ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा जो इंटेंशन है जो हम लोग काम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छा है। आदमी बड़े बनो या छोटे बनो मैटर ये नहीं करता। आज हम लोगों को ये समझ में आ गया आदमी अच्छे बनना बहुत जरूरी है और अच्छे के लिए अध्यात्म का रास्ता हम लोगों को अपनाना जरूरी है ये बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैं आज संकल्प लेता हूँ 21 जून के लिए 11 लाख लोगों के साथ 11 बजे मैं मेरा परिवार मेरे रिलेटिव्स मेरे दोस्त एक को भी छोड़ूंगा नहीं सब लोगों को लेकर के आऊंगा और उस वेबिनार को अटेंड कराऊंगा। वाकई में हनुमान जी का नाम सुन के एनर्जी आती है। जो बोलते हैं हनुमान चालीसा के अंदर नाशे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा और ये क्रिएट होने वाला है 21 जून को ये इतिहास बनने वाला है पूरे विश्व में ये जाना जाएगा
भारत की शक्ति को जाना जाएगा, सेफ सॉप की पावर को जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जसवीर। मैं अब योगेश जी को कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि योगेश जी आप प्लीज बताएं हमें कि 21 जून की क्या तैयारी है और हमें कितनी जल्दी लिंक मिलने वाला है और हम कैसे इसको प्रमोट करेंगे। तथास्तु, मैं संकल्प लेता हूं कि जो सब हम संकल्प ले रहे हैं वो पूरा हो। 21 जून के लिए हम लोगों से लिंक शेयर किया जाएगा जो कि हम कोशिश करेंगे आज शाम तक सबको दे दिया जाए। उस लिंक पर हम सबको अपना गूगल फॉर्म होगा, उस सबको हम अपना नाम रजिस्टर करना होगा जिस जिसका होगा, और फिर आपको रजिस्टर करने के बाद एक वेबकास्ट का लिंक दे दिया जाएगा जहां पे सब स्वामी लोग और एक साथ हम सब लोग मिलकर के एक साथ चैंटिंग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना, सेकंड स्टेप होगा उस समय आकर के हम सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो ये दोनों काम आज रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया जाएगा और अगले 2 या 3 दिन के अंदर हम वेबकास्ट लिंक भी दे देंगे। Thank you, Yogesh ji. Thank you so much. I'll request Sunil Maan ji to say a few words, please. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं इंदु मैम को आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इंदु मैम ने बताया कि हमारे दोनों हाथों में, एक हाथ में आध्यात्म है और दूसरे हाथ में हमारे उद्योग है। हम दोनों काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। एक ही बात कहूंगा, आओ हम ईश्वर से दुआ मांगे, आओ हम ईश्वर से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। खुद के लिए तो बहुत मांगा हमने, आज सारे जग के लिए भला मांगे। थैंक यू सर। थैंक यू मान साहब, थैंक यू सो मच। एंड नाउ आईड लाइक राजीव चतुर्वेदी जी टू से फ्यू वर्ड्स एंड आल्सो एंड टुडेज वेबिनार व्हिच हैज बीन हिस्टोरिक इन एवरी वे। आई वुड रिक्वेस्ट राजीव जी टू क्लोज दिस इवेंट एंड फिनिश बाय सेइंग अ फ्यू वर्ड्स। Thank you very much, everybody. It was a wonderful session. And now I'm handing. सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव। आज जब इंदु जी बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था अमृत की बरसात हो रही हो, और इस अमृत वर्षा के लिए हम उनकी बहुत बहुत आभारी हैं। उनका जो संदेश था कि सेफ शॉप केवल लोगों को रोजी रोटी नहीं दे रही है, लोगों के जीवन में अध्यात्म भी ला रही है, और केवल रोजी रोटी देने से व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, तो सेफ शॉप के हम आभारी हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बना रही है, क्योंकि बिना इसके सबको, बिना इसके तो निजात नहीं मिलती। क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास जो कर्म है हमारे, वो हमारे साथ जाएंगे, और जब हम दोबारा यदि आना होता है तो हम कर्म लेकर के ही आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा आज का हमारे लिए। दोस्तों, एक और चीज को रेखांकित करना चाहूंगा जो रजत जी ने कहा है, यदि अपलाइन बनना है, क्योंकि ये मैसेज है, ये बार बार होना चाहिए कि यदि अपलाइन हो तो श्री कृष्ण जी जैसा, भगवान जैसा, और यदि डाउनलाइन हो तो हनुमान जी जैसा। और ये इसमें पूरा संदेश छुपा हुआ है हमारी सफलता का। हम रोमांचित हैं कि हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि 11 लाख लोग सामूहिक चेतना के माध्यम से पूरे विश्व की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। हम संकल्पित हैं कि हम इसे कामयाब बनाएंगे। हम इसे न केवल कामयाब बनाएंगे, न केवल 11 लाख लोग होंगे, हम एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। और सेफ शॉप का प्रत्येक एसोसिएट, प्रत्येक सेफ शॉपर ये संकल्प लेगा आज के बाद कि वो अपने जितने भी संकल्प, जितने भी संपर्क के लोग हैं, उन सब लोगों को मैसेज दे कि हाँ, हम 21 जून को इसे एक ऐतिहासिक अवसर बनाने जा रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं गुरुदेव के कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है, ऐसा अवसर दिया है इसमें शामिल होने के लिए, और हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही शानदार अवसर था हमारे लिए कि हमने बहुत कुछ सीखा है आज। और अगली सेमिनार, अगली वेबिनार जो बुधवार को होगी, उसमें सुनील मान जी दोनों ग्रंथों के बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे अब धुरी बन चुके हैं, और इन ग्रंथों के माध्यम से
हमें पूरी दुनिया में सकारात्मकता का संदेश लेकर के जाना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।